हाय एवरीवन, मैं हूँ चांदनी और स्वागत है आप सबका चांदनीज डीआईवाई डेकोर में। हमारा आज का डीआईवाई है फोल्डेबल बॉक्स ऑर्गेनाइजर। इस बॉक्स का यूज़ आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए करें और जब इसका यूज़ ना हो तो इसे इस तरह से फोल्ड करके रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए हमें लेना है कार्डबोर्ड। मेजरमेंट्स है 26x4 सेंटीमीटर का एक, 13x10 सेंटीमीटर के चार, जो बॉक्स के लेफ्ट और राइट साइड पे जाएंगे, 26x14 सेंटीमीटर के दो, जो बॉक्स के फ्रंट और बैक साइड पे जाएगा, और 26x20 सेंटीमीटर के दो, जो बॉक्स के टॉप और बॉटम पे जाएगा। और हमें चाहिए फैब्रिक, कैनवस पेपर। कैनवस पेपर की जगह आप इस तरह का शॉपिंग बैग भी यूज कर सकते हैं जो हमारे घर पर इजिली अवेलेबल होता है। और हमें चाहिए फैब्रिक ग्लू। सबसे पहले हमें इन पीसेस को लेने हैं। इन्हें फैब्रिक के ऊपर कुछ इस तरह से प्लेस करना है और चारों तरफ से हाफ हाफ इंच का गैप छोड़कर मार्क लगा लेंगे। मार्क लगाकर फैब्रिक को कट कर लेंगे और इसी प्रकार से हमें बाकी पीसेस को भी फैब्रिक के ऊपर रखकर हाफ इंच का गैप छोड़ना है और मार्क लगाकर कट कर लेना है। अब इसी सेम मेजरमेंट से हम कैनवस पेपर को भी कट कर लेंगे। तो ये हमारे सारे पीसेस कट हो चुके हैं। अब हम सारे कार्डबोर्ड पीसेस को इस फैब्रिक और कैनवस पेपर से कवर कर लेंगे। आप कार्डबोर्ड के मेजरमेंट को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। आपको जिस साइज का बॉक्स बनाना है उस साइज के चारों साइड्स कट कर लें और टॉप और बॉटम पार्ट कट कर लें। और उसके बाद करना ये है कि जो पीस आपके लेफ्ट और राइट साइड पे जाने वाला है उसे आपको दो पार्ट कट कर देना है, ताकि बाद में जॉइंट होने के बाद ये अंदर की तरफ फोल्ड हो सके। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ हमें इन दोनों पीसेस को एक साथ कवर करना है, जो बॉक्स के टॉप का पार्ट है और ये बॉटम पार्ट है। इसे हमें कुछ इस तरह से कवर कर लेना है। अब बॉटम पार्ट के साइज का ही एक और फैब्रिक और कैनवस पेपर लेंगे और इसे इस तरह से चिपका लेंगे। तो हमारे सारे पीसेस रेडी हो चुके हैं। हमें इसे इस तरह से असेंबल करना है। हम इसमें सबसे पहले टॉप का लीड पार्ट जॉइंट करेंगे। आप यहाँ पर चिपकाने के बजाय सिलाई भी लगा सकते हैं। और बाकी के जो तीन साइड्स का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे इस तरह से चिपका लेंगे। मैं यहाँ पर इसमें अंदर की तरफ से सिलाई भी लगा रही हूँ। इसके साइड्स का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी अंदर की तरफ चिपका लेंगे। अब इसे यहां से ज्वाइंट कर लेंगे। और अब इसमें हम इसका बॉटम पार्ट ज्वाइंट करेंगे। उसके लिए हम इसके एक साइड से अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे। और बाकी के तीन साइड से फोल्ड करते हुए इस तरह से बाहर की तरफ से सिलाई लगा लेंगे। तो हमने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है और ये बॉक्स अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो
जब इसे यूज करना हो तो इस तरह से इसे यूज कर ले, और जब यूज ना हो तो इसे इस तरह से फोल्ड करके रख ले। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। मैंने यहाँ पे लेस का यूज किया है, आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी डेकोरेट करें। तो ये हमारा फोल्डेबल बॉक्स ऑर्गेनाइजर रेडी हो चुका है। आप इसे अपने क्राफ्ट सप्लाइज के लिए यूज करें। या स्टेशनरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करें। या फिर एज अ वार्डरोब ऑर्गेनाइजर भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं। और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग DIYs के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के नीचे जो बेल यानी घंटे का बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।